वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे अर्धवार्षिक परीक्षा 2021-22 कक्षा 11वीं भूगोल विषय के ऊपर। तो वीडियो शुरू करूँ उससे पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अगर हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हो या अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि आप सभी को हमारे द्वारा अपलोड होने वाले वीडियो बराबर मिलते रहे। तो चलिए बिना किसी देर के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि अर्धवार्षिक परीक्षा 2021-22 कक्षा 11वीं भूगोल विषय का पेपर आपका किस प्रकार का आने वाला है। सबसे पहले देखें तो आप यहाँ पर समझ सकते हो लिखे गए हैं, सही विकल्प का चयन कीजिए। निम्नलिखित में से किस विद्वान ने भूगोल शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया? हेरोडोट्स, गैलीलियो, इलेक्ट्रिनिज, अरस्तु। तो आप सभी लोग इन सही विकल्पों को देख लीजिएगा और बराबर नोट कर लीजिएगा। इसी के नीचे बात करें तो इसी के नीचे आपको देखने को मिलेंगे रिक्त स्थान पूर्ति। ये रिक्त स्थान पूर्ति है दोस्तों, आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा और नोट कर लीजिएगा। और आप कम से कम इस प्रश्न पत्र को हल करके जरूर देखिएगा, जिससे कि आपका अर्धवार्षिक परीक्षाओं का डर काफ़ी दूर हो जाएगा। सही जोड़ी बनाइए, युवाकार की घाटिया, ये आपको सही जोड़ी बनानी है। आप पूरा इसको पढ़ के देख सकते हो, मैं पढ़ने में ज़्यादा समय व्यतीत नहीं कर रहा हूँ क्योंकि लंबा वीडियो जिससे हो जाएगा, इसलिए मैं शॉर्ट वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें अच्छे से समझा सकूँ। ये एक शब्द में उत्तर है, आप सभी लोग इनको देख लीजिएगा और इनको नोट भी कर लीजिएगा। ये वेरी IMP उत्तर है, प्रश्न है, आप सभी लोग इनके उत्तर जरूर तैयार कर लीजिएगा अच्छे से, जिससे कि आप सभी को ये बहुत ही अच्छे से याद हो जाए। और उसी क्रम में अगर आगे बात करें तो यहाँ से शुरू होते हैं आपके दो दो अंक वाले प्रश्न। ये वेरी IMP प्रश्न है आप सभी के लिए, दो दो अंक वाले। तो प्लीज़ आप सभी लोग इन प्रश्नों को जरूर याद कर लीजिएगा। इस प्रश्न पत्र में से आपकी अर्धवार्षिक परीक्षाओं में लगभग 70 से 80% तक प्रश्न आने की पूरी संभावना है। तो आप इस प्रश्न पत्र को पूरा हल जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि आप सभी को ये बहुत ही अच्छे से समझ में आ सके। ये वेरी IMP प्रश्न मैं आप सभी को बता रहा हूँ। भूगोल की एक परिभाषा दीजिए, भूगोल के दो महत्व लिखिए, भूकंप किसे कहते हैं, ज्वालामुखी किसे कहते हैं। ये वेरी IMP प्रश्न है आप सभी के लिए, तो आप लोग इनको तैयार जरूर कर लीजिएगा अच्छे से। ये वेरी IMP आप सभी के लिए, आप इनको तैयार कीजिएगा, जिससे कि आप सभी को ये बहुत ही अच्छे से समझ में आ सके। संघनन किसे कहते हैं, वाष्पीकरण से क्या तात्पर्य, आग्नेय चट्टान किसे कहते हैं, इसकी विशेषताएँ बताइए। तो आप सभी लोग इन प्रश्नों को जरूर बहुत अच्छे से याद कर लें, जिससे कि आप सभी को ये अच्छे से याद हो जाए और आप इनके ऊपर बहुत ही अच्छे से लिख कर आ सकें। इसी के आगे बात करें तो कुछ प्रश्न ये दिए गए हैं, आप लोग इन्हें भी याद कर लीजिएगा और इनको भी बहुत अच्छे से लिख के आप आइएगा, जिससे कि आपको ये बहुत अच्छे से याद हो सके। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो में जो आपको प्रश्न बता रहा हूँ सारे के सारे आपको समझ में आ रहे होंगे और इसमें से कई प्रश्न तो ऐसे होंगे जिनके उत्तर आपको पहले से ही याद होंगे। तो आप देखते चले इसको बराबर। तो इसी क्रम में अगर आगे देखें तो कुछ प्रश्न ये दिए गए हैं, आप लोग इन प्रश्नों को जरूर देख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा अच्छे से, जिससे कि आप सभी को अच्छे से याद हो जाए। और कुछ प्रश्न ये दिए गए हैं, वताग्र किसे कहते हैं, इसके प्रकार बताइए, पाताल तोड़ कुआ किसे कहते हैं, इसके लिए आवश्यक दशाएं बताइए, तापमान की विलंबता किसे कहते हैं। ये वेरी IMP प्रश्न है, आप सभी लोग इन प्रश्नों को जरूर अच्छे से याद कर लें, जिससे कि आप सभी को ये अच्छे से याद हो जाए और आप इनको अच्छे से प्रिपेयर करके तैयार कर सकें। तो ये आप सभी लोग इनको अच्छे से तैयार जरूर कर लीजिएगा। और इसके अलावा कुछ प्रश्न ये दे रखे हैं, आप लोग इन्हें जरूर देखिएगा, ये वेरी IMP प्रश्न आप सभी के लिए। उम्मीद करता हूँ कि सभी प्रश्न आपने नोट कर लिए होंगे। तो ये था अर्धवार्षिक परीक्षा 2021-22 हेतु कक्षा 11वीं भूगोल विषय का एक मॉडल पेपर। जी हाँ दोस्तों, एक ये मॉडल पेपर है, आपको मैं पुनः बता देना चाहता हूँ कि ये एक मॉडल पेपर है, जिसमें से कि आपकी परीक्षाओं में 70 से 80% तक प्रश्न आने की संभावना है। तो आप इसको हल जरूर कीजिएगा, पर इसी के साथ साथ में कुछ प्रश्न और पढ़ लीजिएगा आप, जिससे कि आप सभी को ये बहुत ही अच्छे से याद हो जाए। इसी के साथ में मैं आप सभी को परीक्षाओं के लिए शुभकामनाएं देता हूँ और इस वीडियो से विदा लेता हूँ। नमस्कार।